नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज ये फिल्म नहीं आसान में मैं खड़ा हूं बैंड्रा में और घूम रहा हूं बैंड्रा की गलियों में, क्योंकि यहां रहते हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी फिल्में दी हैं जिनको कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी फिल्में हैं। और ये जो डायरेक्टर हैं इनको थोड़ा अनबॉलीवुड डायरेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े थिंकिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज के कुछ मुद्दों पर हैं या समाज को थोड़ा संदेश दे के जाती हैं। कौन है ये तो आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको इनसे मिलाऊंगा, लेकिन इनके बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी इनको मिले हैं और फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिले हैं। कौन है ये? मिलते हैं बस थोड़ी सी देर। तो जिस शख्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिस निर्देशक के बारे में आपसे बात कर रहा था, वो है राकेश ओमप्रकाश मेहरा। आप पहचानते हैं सब, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे मिनिस्टर, जो आपकी अगली फिल्म है ये टॉयलेट्स को लेके है, और मैंने सुना है युवा करके एक NGO जिसके साथ मिलकर आपने 800 टॉयलेट बनवाए भी हैं। जी जी, तो टॉयलेट का ख्याल पहले आया या फिल्म का ख्याल पहले आया? ये फिल्म सिर्फ टॉयलेट को लेकर देंगे जी, उससे बढ़कर है जी। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मेरी अर्जी सुन लो ज़रा, एक 8 साल के बच्चे की अर्जी है देश के प्रधानमंत्री के लिए जी। उसको ऐसे लगता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी, तब तक टॉयलेट नहीं बोले। शायद जो मेरी मुसीबतें हैं या जो मेरे को आकांक्षाएं हैं वो शायद ख़त्म ना हो, उनमें से टॉयलेट भी एक है। टॉयलेट सिर्फ एक फिल्म में एक डिवाइस है। ओके, बोलना मैं क्या जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान का एक बार बंटवारा हुआ 1947 में, आज फिर एक और बंटवारा हो रहा है जो एक इकोनॉमिक बंटवारा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को लाना, इस पे एक फोकस लाना, एक स्पॉटलाइट लाना, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर है। जो सिनेमा की तरफ आपका रुझान हुआ वो किस वक्त हुआ? नहीं, बचपन से ही सिनेमा देखा तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वही था जी, कहीं ना कहीं जहन में रह गया जी। बाकी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं सिनेमा बनाऊंगा। फैमिली में माहौल था कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे फादर उनका जो पहला जॉब था जगत सिनेमा जो है जामा मस्जिद में, वहाँ टॉचमैन की नौकरी। वो मैंने सुना जी जी। बट उनका था रुझान फिल्मों की तरफ? काफ़ी। आपको भी ले जाते थे? कभी कभी, जब आपका जन्मदिन हो तो। मुझे आज भी याद है कि वी शांताराम की फिल्में जब भी रिलीज़ होती थी उन्होंने दिखाई, राज कपूर की फिल्म जब भी रिलीज़ होती थी उन्होंने दिखाई, कमाल अमरोही की पाकीज़ा तो 3 बार दिखाई। आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी? हाँ, नहीं नहीं, मैं इसका शेयर। ये जितने नाम आप ले रहे हैं ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने एक पूरा इतिहास जो है सिनेमा का, एक पूरा कहता हूँ दौर है वो, नींव रखी थी। आपकी ज़िंदगी जो है आपकी फिल्मों की तरह है, हमेशा आपकी फिल्मों में जो मैं जक्स्टपोजिशन की बात करता हूँ, एक तरफ आप स्टूडेंट लाइफ में मंडल कमीशन ये सारी चीज़ें जितने भी हैं सब आपने देखा और उसको कहीं ना कहीं आपके जहन पर असर हुआ, दूसरी तरफ आपका सिनेमा में भी वो सब चीज़ें नज़र आई हैं जी। तो जो डेवलप, जो ग्रोथ आपकी हो रही थी जी, दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही थी, इस साइड जो सिनेरियो है हिंदुस्तान का और इस साइड सिनेमा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ था और सिनेमा में आने से पहले मेरे कुछ 10-12 साल एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाने में बीते, एडवर्टाइजिंग करने में बीते, उससे पहले मार्केटिंग में बीते। उससे पहले मैं सेल्समैन था, वैक्यूम क्लीनर बेचता था। सेल्समैन से एडवर्टाइजिंग का जो मैं आना और सेल्समैन बनना, इसके बीच के अगर आप हिस्से जोड़ पाए तो? कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म हुआ और मैं जल्दी में था कि कुछ घर में पैसा कमा के देना है, तो एक इश्तहार आया, उनको सेल्समैन की ज़रूरत थी यूरो का फोर्स में। सो 418 रुपए की तनख्वाह थी, आज भी याद है, 18 या 22 रुपए की, और हर एक मशीन बेचने का, हर एक वैक्यूम क्लीनर बेचने का आपको कमीशन। तो पहले महीने मैंने बड़े जूते घिसे, DTC बस में इतना बड़ा बक्सा उठा के, टाई लगा के, गर्मी में 3 महीने में छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अच्छी खासी कमीशन मिल गई थी। मेरे और मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम दोनों ने मिलके गोविंदपुरी में और दक्षिणपुरी में, दिल्ली में, एक फैक्ट्री हमें मिली सिलाई की। उन दिनों गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ता जा रहा था, तो हमारी 8-10 मशीनें बढ़ते बढ़ते 300 हो गई। क्या बात। और
कमाई होती नहीं थी, फिर भी हम जूझ ही रहे थे। फिर मेरे एक मित्र मिले, उन्होंने बोला देखो मैंने ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की है और आजकल जापानी बड़े आ रहे हैं हिंदुस्तान में, तो क्या तुम मेरी एजेंसी ज्वाइन करोगे? तो मेरी अंदरूनी आवाज़ ने मेरे को बोल दिया कि एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से जुड़ना शायद अच्छा रहेगा जी। तो मैंने अपने एक दिन का टाइम लिया, अपनी 50% का शेयर अपने दोस्त को दिया, एक भी पैसा नहीं लिया और अगले दिन से एडवर्टाइजिंग ज्वाइन कर लिया। उसमें काम क्या था आपका तब तक एजेंसी में, क्योंकि ये तो शूटिंग का मामला तो बाद में शुरू हुआ जी? क्लाइंट सर्विस। क्लाइंट सर्विस। मौका मिला एक इन हाउस फिल्म बनाने का हीरो होंडा के लिए, एडवर्टाइजिंग फिल्म 30-40 सेकंड की, बस बहुत चली और उससे क्लाइंट को बड़ा फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं मैंने खून चख लिया था। 6 महीने बाद मैं अपने बॉस को बोला देखिए मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, यानी कि मुझे एड फिल्म्स बनाना। मेरे बॉस ने बोला मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, कि मैं ये देख रहा था और मेरी तरफ से ये पहली एड फिल्म लेके तुम जाओ बॉम्बे। क्या बात। तो मेरे पैर टिक गए, मुझे लगा आई हैव अराइव्ड। मैंने अपने कॉलर ऊपर किया, 2-4 बटन खोले, स्लीव ऊपर की कि मैं आ गया बॉम्बे में एड फिल्म, मुझे आता है सब कुछ। जी जी जी। 5 साल हो गए प्रशांत जी, उसके बाद एक और काम मिला नहीं। करे मतलब बॉस ने एक थोड़ा दे दिया था तरस खा के पहली फिल्म, उसके बाद जूते घिस घिस के घिस घिस, कोई एड का काम नहीं, कुछ नहीं मिला। एक प्रोमो कहीं मिल गया, कोई एवी मिल गया दिल्ली से। 5-6 साल लगे काम समझने में, और संजोग से फिर एक एड फिल्म हीरो साइकिल लॉन्च कर रहा था, नई किस्म की साइकिलें हिंदुस्तान में आ रही थी, उसका जो मैंने एड बनाया उसको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल गया। क्या मैं लोगों की नज़रों में आ गया एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की। और फिर वो बात रुकी नहीं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या हम बात कर रहे हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा से, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो शायद मैंने भी, मुझे भी नहीं पता थी, ढूंढी बहुत थी, पर आज आपको भी सुनने को मिल गई और मुझे भी। बहुत सारी चीजें आपके जो प्रोडक्शन की फिल्म की है वो यादगार सोवेनियर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यही तीर था जो तोड़ा था, मतलब इसी तरह का साइबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए और हम लोग बात कर रहे थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब से उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। उस वक्त का आपको कोई ऐसा वाक्य याद आता है जो आपको लगे कि आपकी जिंदगी पे एक इम्प्रेशन छोड़ गया, जो अभी तक आप याद रखते हो? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा था, मेरी पहली फिल्म का टाइटल था समझौता एक्सप्रेस। अच्छा। जो कमलेश पांडे जी ने लिखी थी, बहुत प्यारी कहानी थी। फिल्म का हीरो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। आपका हीरो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट, तो उस जमाने में, मैं 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी, वो लोगों को गवारा नहीं था, फाइनेंसर्स को गवारा नहीं था। और ये फिल्म मैं अभिषेक बच्चन को लेके बनाने जा रहा हूँ, अभिषेक की पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म। ये रेफ्यूजी से भी पहले की बात? हाँ हाँ, उससे 3 साल पहले की बात। ये फिल्म 3 बार बनते बनते रुकी, ऐसे करते करते 18 महीने बीत गए। तो मेरा, मैंने समझौता एक्सप्रेस का सारा रिसर्च लिया, उसकी पाइल बनाई और उस पर पेट्रोल डाला और उसको जला दिया। और जैसे अंतिम संस्कार होता है ना कि ये अब खत्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ने नहीं दे रहा। गुस्सा था या फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसको मैं सब कुछ था, गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी था, आंसू भी थे। और वही मेरी आज तक की सबसे प्यारी कहानी वही है, और वही नहीं बनी। वो एक है जो आपके दिल में अभी भी चुपता है, कह लीजिए। नहीं नहीं, आपने पूछा कि याद आता है। मैंने आज तक ये किसी से डिस्कस किया नहीं, बट आपके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। और ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं पढ़ने को। जो फिल्मी करप्शन है या जो आपने अपने पहली ही स्टोरी में झेलना पड़ा आपको, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया या आप बसते रहे? जूझना पड़ता है हर एक चीज से, और वो लाइफ शायद उसी का नाम है। अभी भी जूझ रहे हैं? हर समय। अब हमने मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर बनाई है, इसका फाइनेंस नहीं मिल रहा था, मैं इस मुकाम तक पहुंच गया, फिर भी मेरे को इस फिल्म का फाइनेंस नहीं मिलता है जिस तरीके से मैं बनाना चाहता हूं। जी, मैं कहीं इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट फिल्म ने कैसा किया। 100%। अगर लास्ट फिल्म मेरी मिर्जिया थी जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई जी, अगर वो सुपर हिट होती तो लोग आपके घर पे पैसा छोड़ के जाते हैं। मेरे को जितने पैसे चाहिए थे उसका आधा मिल रहा था,
बट मैं उसमें समझौता नहीं करना चाहता था, कॉम्प्रोमाइज वो दिखता था पर्दे पर जी। अरे हम क्यों नहीं ऐसे सब्जेक्ट को लेकर स्लमडॉग मिलियनेयर से बेटर फिल्म बना सकते। बिल्कुल सही। मैंने ये सुन के बड़ा हुआ हूँ, नहीं नहीं वो हॉलीवुड के पास बहुत पैसा है। इसने मेरे स्वाभिमान को हमेशा बहुत बुरी तरह से थोड़ा ठेस पहुँचाई है, ठेस पहुँचाई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है यार मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, इसका मतलब मेरी काम का स्तर, मेरी क्वालिटी थोड़ी कम होगी। मैं ये सुन के बड़ा हुआ कि स्टार सिस्टम है, जब मैं आया जी कि स्टार सिस्टम है, जब तक तुम एक्टर नहीं लोगे तुम्हें फाइनेंस नहीं बनेगा। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, ये नदी ऐसे बह रही है मेरे को उल्टा जाना है। लेकिन कहीं कोफ्त होती है इन सब चीज़ों से, जैसे आपने कहा स्टार, स्टार मिलना, स्टार की डेट्स ले लेना, फिर फाइनेंस का मिलना। आप खुद एक स्टार बन जाओ अपने काम, नए स्टार्स बनाना कितना मुश्किल है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, स्टार भी इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए कहानी कहना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो आपकी कहानी को और लोगों तक लेके जाता है, रीच ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वही एक एक्टर है, उससे बेहतर भी हैं, उससे कम भी हैं जी। वो उस कैरेक्टर में फिट होता है, वो बहुत ज़रूरी है नंबर वन मेरे लिए जी। कि आप कैरेक्टर से हट के कास्टिंग नहीं कर सकते। अब जब मैं भाग मिल्खा भाग बना रहा था और हमने फरहान अख्तर को लिया, तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं आप, इसमें फरहान अख्तर नहीं होना चाहिए, हाँ इसमें तो फलां फलां होने चाहिए और ये एक्टर ज़्यादा है, इससे आपको फाइनेंस भी मिलेगा। हमने जूते घिसे, 18 महीने तक पैसे नहीं मिले भाग मिल्खा भाग के। फिर कर करके किसी तरह पैसे जुड़े और जितने चाहिए थे उससे मुझे 75% मिले पैसे, 75%। तो हमने अपनी सारी फीस काट दी, मेरी डायरेक्शन फीस, प्रोड्यूसर्स फीस, जीरो, एक एक रुपए पे आ गए हम लोग। फरहान को मैंने बोला, उसने अपनी फीस 1/4 कर दी। हमने कहा ये फिल्म बनाते हैं, किसी तरह कर करके होटलों में नहीं रहे हम, धर्मशालाओं में रहे जब पंजाब में थे, गेस्ट हाउस में, कोई 5-स्टार बंद कर दिया, एक जगह घर का खाना बनाया वो सब ने खाया, तो खर्चे हमने अपने कम कर दिए जो करने चाहिए, वाई नॉट। और फिल्म बनाई, मन से बनाई, दिल से बनाई, रिजल्ट भी अच्छा। फिल्म ने 165 करोड़ किया। तो एक बायोपिक्स का जमाना शुरू हो गया क्या? एक अरे तुम, हम फिल्म बना सकते हैं नॉट सो एविडेंट स्टार को लेके, बट एक अमेजिंग टैलेंट को लेके, कास्टिंग राइट करके। सिनेमा के एजुकेशन की अगर हम बात करें जी, और उसमें भी खास तौर से डायरेक्शन और इन सब के अलावा एक्टिंग में भी है, उसको किस तरह बदलने की ज़रूरत है? अगर हमें हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को सिनेमा के थ्रू आज की जनरेशन से जोड़ना है, उसके लिए आपको राइटर्स को स्कूल से आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारा सिनेमा उसकी तरफ आप होता है, मतलब वो है ही नहीं सबसे ज्यादा कमजोर राइटिंग में। नहीं, वो है ही नहीं, राइटर्स हैं, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। जब तक आपके राइटर छोटे टाउन से नहीं आएंगे, कोयम्बटूर से, रायबरेली से, सहारनपुर से, बनारस से उठ के नहीं आएंगे, ये देश का रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं आपकी कहानियों में। सिर्फ जू विले पाले में आप फिल्म बनाते रहेंगे JVPD स्कीम में। राइटिंग फॉर स्क्रीन इज अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म जी, बिल्कुल सही बोला। अब क्या है, आप डॉक्टर बन गए हो, बट डॉक्टर में आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट हो, हाँ आप या आप डेंटिस्ट हो, इतना अलग है सिनेमा में लिखने के लिए कि जो डेंटिस्ट है वो आपके हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो जो इसको स्क्रीन प्ले की विद्या आती है वो आपको, वो नॉवल से अलग है, वो प्ले राइट से अलग है। हाँ आप बढ़ सकते हो, सीख सकते हो आप, सीख, मेरा मतलब ये है, ये तीनों अलग अलग विधाएं हैं, अलग विधाएं हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक्टर्स की बात करूं तो एक्टर्स जब राइटिंग बदलेगी और राइटिंग का स्तर बदलेगा, एंड वी विल नॉट राइट फॉर एक्टर्स, वी विल राइट फॉर कैरेक्टर्स, वेन विल स्टॉप राइटिंग फॉर स्टार्स। कितने इंजीनियर बनाएंगे हम, कितने अकाउंटेंट बनाएंगे, अब और चीज़ों को भी विकसित करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू।